जिले के बनकटा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब प्यार में पागल प्रेमी अपने कुछ साथियों के साथ नवविवाहिता प्रेमिका के घर आ गया और अपने प्रेमिका के अपहरण का प्रयास करने लगा, जिसके बाद महिला के पति जितेंद्र पांडे और उसके पिता के साथ जमकर मारपीट हुई। हो हल्ला सुनकर गाँव वालों ने प्रेमी को लाठी डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी अस्पताल जाते समय मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि शादी के पहले से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, पर लड़की के घर वालों ने जबरन उसकी शादी कर दी। वहीं एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पास के थाना दरौली जनपद सिवान की रहने वाली है, उसका अपने गांव के ही एक लड़के से पहले से संबंध था और वो लड़का पंकज नाम का अपने दो तीन साथियों के साथ कल रात में 11 बजे इस महिला का जो घर है उसके पीछे वाले दरवाजे से इसके कमरे में घुसा। जैसा गांव वाले बता रहे हैं कि लड़की को ले जाने के लिए आया था और इसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें जो लड़की का हस्बैंड है वो और उसके ससुर को चोटें आई हैं तथा जो लड़का सिवान से अपने साथियों के साथ आया था इस लड़की के अपहरण के संबंध में रात में 11 बजे उनके घर में घुसा था, शोर मचाने पर गांव वालों ने उसके साथ मारपीट की, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से सीएससी ले जाया गया। सीएससी से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। इसी बीच में उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में तहरीर लेकर के नियमानुसार